बीटा का 25 mg टैबलेट जो कि बनाई जाती है टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, एटेनॉल्स 25 mg टैबलेट रहता है। आज हमारे पास 3 स्ट्रिप है जो कि एक स्ट्रिप में ये क्या करती है कि ये 44 रुपीज़ का पूरा स्ट्रिप रहता है, और ये जो क्या यूज़ होती है कि ये 14 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है। तो ये टैबलेट जो कि यूज़ होती है, जो कि काम करती है, हाइपरटेंशन में इसको यूज़ किया जाता है, एंजिया में इसको यूज़ किया जाता है, अनहाइड्रोमियस में इसको यूज़ किया जाता है, और हार्ट अटैक में यूज़ किया जाता है, और माइग्रेन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज़ होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का, और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा मार्केट में अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, ताकि बीटा का 25 mg टैबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो के बाद। बीटा कार्ड्स 25 mg टेबलेट जो कि बनाने वाली कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, एटेनॉल 25 mg रहता है, और इसको रूम टेम्परेचर के अंदर ही स्टोर किया जाता है। ये 14 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 44.65 रहता है। तो बीटा का 25 mg टेबलेट जिसके अंदर एटेनॉल डाला गया है, जो कि बीटा ब्लॉकर ड्रग रहता है, जो कि ट्रीटमेंट करता है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन में, एंजिया का, हार्ट चेस्ट पेन में इसको यूज़ किया जाता है, रेगुलेट हार्ट आर्टरीज रहता है, जो हार्ट बीट रहता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है, और यह हार्ट फेलियर से रोकने के लिए और माइग्रेन में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस टेबलेट को डॉक्टर की सलाह से दिया जाता है, और कार्डियक डॉक्टर अच्छे से जानते हैं कि उसको कब देना पड़ता है। तो अगर आप इस टेबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि इस टेबलेट को ज़्यादा लिया तो आपको कोल्ड ज़्यादा लग सकता है, मतलब ठंडा ठंडा ज़्यादा लग सकता है, आपकी हार्ट रेट स्लो हो सकती है, आपको उल्टी जैसा लग सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस टेबलेट का डोज और ड्यूरेशन डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ही ले, तोड़ के वगैरह ले, और इसको फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे, ताकि बेटर एफिकेसी मिलेगा। तो बीटा का 25 mg टेबलेट काम कैसे करता है, तो इसके अंदर मैकेनिज्म की बात करें तो इसके अंदर डाला गया है वो एटेनॉल 25 mg डाला गया है, जो कि बीटा ब्लॉकर है, और जो कि क्या करता है कि वो स्पेसिफिलाइज करता है हार्ट के साइड पे, और स्लो डाउन कर देता है हार्ट रेट को, और इजिली ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू। तो ऐसे काम करता है ये टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।